Hello viewers, you are watching Get Codify and I am Saurabh. कल हमने जहाँ पे वीडियो छोड़ी थी वो कुछ ये थी. हमने कुछ इस तरीके का एक आर्किटेक्चर बनाया था अपने वेब पेज पे विद द हेल्प ऑफ HTML टेबल, और हमने कुछ लगभग लगभग इसके जैसा आर्किटेक्चर हासिल कर लिया था. तो अब हमें क्या करना है, हमें इस आर्किटेक्चर को प्रॉपर इस वे में लेके आना है. तो इसके लिए हमने जो कोडिंग जहाँ तक की थी वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विंडो 10 की जो स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्ट प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करते हुए वेब ब्राउजर को और अपने एडिटर को ब्रैकेट को डिवाइड कर लेता हूँ दो पार्ट में, ताकि आप दोनों एक चीज एक साथ देख सकें. ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं कि पहले हमने एक रो बनाया है जो कि ये है, फिर हमने एक और रो बनाया है जो कि ये है, और उस रो के अंदर हमने तीन TDs लिए हैं. लेकिन अब हमें यहाँ पे बेसिकली सिर्फ आर्टिकल नहीं लिखना है, हमें पूरा पूरा कंटेंट डालना है. तो जब हमें पूरा पूरा कंटेंट डालना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से टैग आता है जो कि हमारा होता है पी टैग. पी का मतलब होता है पैराग्राफ. अगर मुझे कोई मल्टी लाइन डेटा डालना है या मल्टी लाइन पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए मैं पी टैग का यूज करता हूँ. तो यहाँ पे हम अपना खुद का एक पैराग्राफ बना देते हैं. ओके, तो ये एक मैंने डमी पैराग्राफ बनाया है और इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम पैरा को मैं पेस्ट करूंगा इस थर्ड TD में. तो ये मैंने मेरा पहला TD था, सेकेंड TR का यानी सेकेंड रो का पहला TD में मैंने एक पैराग्राफ बनाया, दूसरा TD मेरा गैप के लिए रहेगा एंड थर्ड TD में मैं क्या करूंगा, आर्टिकल हटाऊंगा और सेम पैराग्राफ को कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा. तो ये कुछ मेरा इस तरीके से आ गया. ओके, सो लगभग लगभग मैंने वो पोजीशन हासिल कर ली जैसा मुझे दिखाना था. अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें देखना है कि हम लोग इसके अंदर इमेज का कैसे यूज कर सकते हैं. बेसिकली इमेज का यूज मैं इसके अंदर डायरेक्टली नहीं बताऊंगा आपको. इमेज के लिए हम लोग एक नई फाइल लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि हम लोग HTML के अंदर इमेज के साथ कैसे खेल सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं. थैंक यू.